हाई गुड इवनिंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन चैनल ऑफ ओ टू आई एस अकेडमी ये एच पी नैब तहसीलदार के लिए सारथी सीरीज चल रही है थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था इसकी वजह से लाइव है 5 दस मिनट लेट हो गया पहले मैं किसी और लिंक पे लाइव हो गया था मीन वाई लोग भी ज्वाइन कर जाएंगे और हमने इस करंट अफेयर की सीरीज में दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ पार्ट्स कवर कर लिए हैं जो कि मैंने पिछली तीन क्लासेस में कवर किए हैं बी इट नैशनल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स या हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ थी कुछ डिफेंस की भी खबरें थी इंडेक्सेज एंड रिपोर्ट थे इंपॉर्टेंट डेज थे इस तरीके की चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इस इस सेशन का जो पी है ये आपको हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है ओटू की उसमें एक छोटा सा फ्री कोर्स बना हुआ है एचपीएनटी टी के नाम से है ना हिमाचल नायब तहसीलदार फ्री कोर्स के नाम से वहां पे जस्ट आपको एक नॉमिनल एक रुपया पे करना है तो सारी जितनी भी पी डी है हमारे फ्री कोर्स में चल रही हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगी <coughs> आई जी हाई गुड इवनिंग एवरी वन थोड़ा सा आ, लेट होने के पीछे का कारण है कि एक टेक्निकल इशू आ गया था तो जस्ट अ सेकेंड चीजें थोड़ी सी मैं सफ हो रखी ठीक है जी कैसे हैं सभी लोग फिर करें स्टार्ट तो आज का मेरा टॉपिक है हमने पिछली बार भी डिफेंस शुरू कर दिया था डिफेंस में भी अगर बात करी जाए तो डिफेंस के लगभग दो तीन टॉपिक्स हमने देख लिए थे जिसमें बी एस एफ के बी एस एफ का जो डे होता है उसके बारे में या संधायक एक शिप डिस्ट्रॉयर हमने बनाया था बड़ा नेवी डिस्ट्रॉयर और एक इंडिया मालदीव्स की एक्सरसाइज थी बिम्स्टेक की एक एक्सरसाइज है ब्राह्मोस के बारे में हमने पढ़ा एक ए के दो सौ तीन राइफल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रही है इसके बारे में भी शायद हमने पढ़ लिया था ठीक तो अब हम आगे से शुरू करते हैं यहां से शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा हम लोग डिफेंस और स्पोर्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे डिफेंस तो हो ही जाएगा स्पोर्ट्स में एक आध कुछ बचता है तो अगली बार में वहां पे कवर कर देंगे मोहित राणा जी काफी खुश हो रहे हैं एंड कारण नहीं पता मुझे कई बार किसी की खुशी का कारण नहीं पता लगता है ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी का इंतजार किए हालांकि मैंने एक इशू के कारण डिले लेट स्टार्ट ले किया था तो अस जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग देखिए डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज जो रॉकेट है उसको अभी लॉन्च करके देखा है तो पिनाका की अगर बात करी जाए जब से कारगिल युद्ध हुआ है तब से लेके आज तक हमारा काफी अच्छा जो काफी अच्छा डिफेंस uh, मैकेनिज्म रहा है मल्टीपल डिफेंस लॉन्चर रहा है जो मिसाइल सिस्टम है पेनाका इज वन ऑफ देम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इंडिया में ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत का ही ये एक एक वो है कारगिल के दौरान भी हमें इसने काफी हेल्प किया था उसके बाद उस टाइम तो चलो एक पहले स्टेज का था उसके बाद मार्क मार्क अब जैसे उसकी रेंज एक्सटेंड इसमें काफी ज्यादा अपग्रेडेशन करे जाते हैं ठीक रिसेंटली जो इनका मार्क टू आया है जिसकी एक्सटेंडेड रेंज की बात करें डीआरडीओ ने इसको मैन्युफैक्चर किया बनाया एक तो ये बात याद रखना डीआरडीओ ने इसको डेवलप करा है दूसरी बात आपने याद रखना देखनी है कि ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है एक YouTube पे वीडियो देख सकते हो जो इंटरेस्टिंग लोग हैं डिफेंस मैकेजम में जो अभी का जो मार्क टू है उसमें इन्होंने नेविगेशनल कैपेबिलिटीज भी वहां पे इंक्लूड करी हैं यानी कि जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है ये मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था आई उसके थ्रू इसको यूज करके ये प्रिसिजन स्ट्राइक्स भी कर सकता है फायर एंड फॉरगेट भी कर सकता है इस तरीके की कुछ चीजों को एड ऑन करा गया पेपर के लिए नाम भी याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है दूसरा है राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय पर्व जो है वो आ, इनागुरेट किया था 50 साल जो 1971 वॉर की जो विक्ट्री थी उसको 50 साल हो गए थे तो उसको स्वर्णिम विजय दिवस पर विजय पर्व के नाम से इन्होंने इनागुरेट करा ये आपको पता होना चाहिए और दूसरा सेकेंडली दैट इज स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर लॉन्च करी है ये बेसिकली ये एग्जिस्टिंग ही हमारा डिफेंस सिस्टम है जिसको धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं ये यानी कि जो हेलिना है उसकी अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सी इसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कई बार ना पेपर में आ जाता है और वैसे भी क्रोनोलॉजी तो हमारे पॉलिटिकल स्फीयर में भी एक अच्छा शब्द है तो इसकी क्रोनोलॉजी अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जाम्पल uh, सबसे पहले जो हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल हुआ करती थी <coughs> वो थी नाग है ना आज भी है मतलब बहुत पहले नहीं अभी भी है नाग हम लोग यूज करते हैं ये एंटी टैंक मिसाइल है एंटी टैंक है लैंड से फायर होती है लॉन्चर से फायर होती है जमीन पे रखे हुए लॉन्चर से फायर होती है अब लैंड का जो नाग का जो एयर वर्जन है उसको हमने बोला हेलीना जो हेलीकॉप्टर माउंटेड नाग है इसको बोला गया हेलीकॉप्टर माउंटेड नाग को ना ये क्या है ये एयर एयर वर्जन ऑफ दिस एंटी टैंक मिसाइल था और इसमें कुछ नहीं इसको ध्रुव शास्त्र भी बोला गया था ध्रुव शास्त्र भी बोलते थे ध्रुव शास्त्र तो अब अब क्या किया अब इसको इसी को और अपग्रेड करके हमने बना दिया वो शांत मिसाइल रिसेंटली जैसे एल के ऊपर स्टैंड ऑफ चल रहा है तो उसको लेके बहुत सारी ऐसी डिफेंस की नई नई चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं सो दैट कि दोनों फ्रंट से हमें खतरा है उसको कैसे बचा के रखा जाए स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम तो ये हेलिना का ही अपग्रेडेड वर्जन है ये याद रखनी है और इसका भी पीछे का जो क्रोनोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए कई बार पेपर में मिक्स चीजें आ जाती हैं तो क्या है जी नाग नाग को हेलीकॉप्टर पे माउंट कर दिया तो हैलीनाग कहना शुरू कर दिया हेलीना जिसका दूसरा नाम ध्रुव शास्त्र भी रखा और उसी को अपग्रेड कराए अब हमने संत बना दिया उसकी रेंज वेंज वगैरह अपग्रेड कर दी होगी इन लोगों ने ठीक अब इसके अलावा अनदर अनदर जो न्यूज था दैट इज रिलेटेड टू सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो स्मार्ट ये भी डीआरडीओ ने बनाया नेवी के लिए बनाया जैसे एयरफोर्स के लिए बनाया था ये नेवी के लिए बनाया स्पेसिफिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होने वाला आ, ये वेपन सिस्टम हमने डेवलप करा है ये है क्या बेसिकली टॉर्पीडो क्या होता है कोई मुझे बताएगा व्हाट इज टॉर्पीडो देखो जब से सबमेरी इंट्रोड्यूस करी गई हैं इन दी इन दी फील्ड ऑफ वॉरफेयर जब से सबमेन्स यहां पे आई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी जर्मन यू बोट्स तो इनको काउंटर करने के लिए हमेशा बहुत बड़े चैलेंजेस रहते हैं बहुत सारी स्टेल सबमरीन हैं ये डिटेक्ट नहीं होती हैं कहीं पे भी जाके अटैक कर देती हैं तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मैकेनिज्म हर एक देश के पास स्ट्रांग होना चाहिए इस बात को सिद्ध कर दिया था जो बैटल ऑफ अटलांटिक हुई थी बैटल ऑफ अटलांटिक हुई थी वर्ल्ड वॉर टू की काफी मेजर बैटल्स uh, में से आती है विच वॉज डिसाइजिव बैटल अगेंस्ट यू बोर्ड ऑफ जर्मन तो उस बैटल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये डेप्स चार्जर वगैरह चला के कुछ नहीं होगा वी नीड स्ट्रॉकनिजम फॉर एंटी सबमरीन तो उस उस दौरान वो वगैरह जो हैं उनको लेके चीजें सामने आती हैं टॉर्पीडो कुछ नहीं है टॉर्पीडो एक मछली के नाम पे इसका नाम पड़ा है ऐसी ऐसा मिसाइल सिस्टम जिसको अंडर वाटर फायर किया जा सकता है और वो सबमरीन्स को हिट कर सकती है पानी में जाके शिप्स को हिट कर सकती है पानी में ट्रेवल करती है वैसा सा प्रोपलशन सिस्टम इसमें लगा होता है है ना तब से लेके आज तक जैसे उस टाइम बड़ा प्रेमटिव टेक्नोलॉजी थी जापनीज नेवी की बात करें तो टॉर्पीडो चलाने के लिए बंदा बैठता था बोलते थे उसको ना जापानीज इस तरीके का जिंगोइज्म में बिलीव करने वाले लोग हैं तो वो लोगों को कन्विंस कर देते थे कि अगर आप सबमरीन सब्मरी, को हिट कर रहे हो जापान की नेवी के लिए टॉर्पीडो का पायलट बन के जा रहे हो टॉर्पीडो का पायलट बनने का मतलब है कि यू आर ए सुसाइड बॉम्बर है ना उस टाइम के सुसाइड बॉम्बर्स सिमिलरली जापानीज एयरफोर्स में भी इस तरीके के पायलट्स होते थे जो प्लेन ही टकरा देते थे जाके तो वहां से लेके यहां तक जब हम असिस्टेड टेक्नोलॉजी से टॉर्पीडोज को बहुत प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये हर जगह पे डेवलपमेंट हो रहा अब है अब द पॉइंट इज कि स्मार्ट में ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड है यानी कि अगर हमें लॉन्ग रेंज पे लॉन्ग रेंज पे किसी इस तरीके के टारगेट को हिट करना है तो हम लोग पानी में तो नहीं छोड़ सकते अगर हमें लैंड से उसको छोड़ना है किसी लैंड लैंड बेस्ड स्टेशन से पानी में कहीं अटैक करना है दूर रेंज पे करना है तो पहले क्या होगा एक मिसाइल होगी जो सेकेंडरी वेपन सिस्टम को पानी में ड्रॉप करेगी दैट इज अ स्मार्ट है ना मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है ठीक <laughs> मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो है तो पिछले वाली कहानी ना भी याद रहे बस इतना सा याद रखिएगा स्मार्ट जो है वो डीआरडीओ ने बनाया है नेवी के लिए बनाया है इस तरीके की चीजें कई बार पेपर में करती हैं तंग तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड साथ साथ बताता जा रहा हूं अपार्ट फ्रॉम दैट जो नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं जो उनके चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ के दैट इज एम एम नरवाणे हैं इनका नाम भी याद कर लीजिएगा क्योंकि अ आ... रावत जी की डेथ के बाद ये पोस्ट वैकेंट पड़ी थी उसके बाद जो तेजस आ, मार्क वन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है ये न्यूज में चल रहा था क्यों क्योंकि इसका जो प्राइम मैन्युफैक्चरर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच जो कि एक सरकारी कंपनी है पीएसयू है वो पर्टिकुलर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है अनदर पी एस के साथ विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 83 जो लाइट कम्बार्ट एयरक्राफ्ट इनको लेके 2400 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है तो news, तो दैट वाज बेसिकली अ न्यूज इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जो तेजस है वो एच बना रहा है तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एच बना रहा है अब दूसरी एक मिसाइल की ही अगेन न्यूज है अब डिफेंस में ज्यादातर वेपन सिस्टम की खबरें हैं डीआरडीओ ने अग्नि का एडवांस्ड वर्जन बनाया जिसका नाम अग्नि प्राइम रखा है अग्नि प्राइम न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है अब जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का आ, डिफरेंस की बात है कुछ लोग मुझसे पूछेंगे उससे पहले ही मैं बता दूं हल्का फुल्का सा बता देता हूं ज्यादा तो आपको जरूरत भी नहीं है दो तरीके के मिसाइल सिस्टम हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं दैट इज बैलिस्टिक और क्रूज ठीक बैलिस्टिक एंड क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नॉर्मली इसका पैराबोलिक पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है ये एग्जो एटमोस्फियर में जाता है एक्जो एटमोसफियर में जाता है यानी कि हमारे अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर में ट्रेवल करता है और दोबारा री एंटर करता है हमारे हमारेफेयर में लॉन्ग रेंजेस के लिए अगर किसी मिसाइल को हमने हिट uh, करना है किसी टारगेट को हिट करना है तो जो मिसाइल्स यूज होती हैं दैट इज बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की ये मिसाइल्स होती हैं पैराबोलिक पाथ बनता है फिर ये वापस आती हैं <coughs> बहुत सारे बूस्टर इंजन लगे होते हैं सिमिलर जैसे रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम काम करता है दूसरा है हमारी क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल का जो पाथ है नॉर्मली डायरेक्ट

अब इसकी जो रेंज है वो हजार से दो हजार किलोमीटर्स की ऑपरेशनल रेंज इसकी रहेगी इतनी सी बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा अपार्ट फ्रॉम दिस एक मरमुगाओ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है अगर हम प्रोजेक्ट 15 बी की बात करें जिसके अंतर्गत हम लोग स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन नेवी के लिए तो उसमें से एक अभी जो डिलीवर किया गया जो न्यूज में चल रहा था डेट वॉज मरमोगा ठीक है मरमोगांव एक पोर्ट भी है जो काफी फेमस पोर्ट है अपने देश का किस स्टेट में है ये आप मुझे बताएंगे और ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ का क्या मतलब होता है दो चीज़ें मुझे आप बताओगे बहुत आसान है आप देख भी सकते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं दैट इज एक और मिसाइल सिस्टम सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय जो कि डी ने डेवलप किया है अगेन स्टैंड ऑफ चल रहा था पिछले साल तो ठीक ठाक नंबर ऑफ एडवांसमेंट्स हमने यहाँ पे करके बेसिकली डराने के लिए कि बच जाओ हमारे पास काफी अच्छी चीजें हैं अब यहाँ पे दो तीन चीजें ये ये भी आप पुरानी क्रोनोलॉजी समझिए कि सरफेस टू सरफेस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास ऑलरेडी मिसाइल सिस्टम है अगर पुराना है तो उसको प्रहार कहते हैं <coughs> प्रहार प्रहार मिसाइल सिस्टम अपने देश में लगभग 2011 ऑनवर्ड्स काफी सारी इस तरीके की सीरीज ऑफ मिसाइल्स हमें दे चुका है अब दूसरा अब ये क्या है प्रलय जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी प्रलय इसी का एडवांस्ड वर्जन आप मान सकते हो इसमें काफी सारे चेंजेस करेंगे इसकी जो रेंज है वो डेढ़ से पांच किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज बताई जा रही है और ये एक नई चीज जो इसके सामने आई है दैट इज क्वासी क्वासी बैलिस्टिक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है अब ना तो ये बैलिस्टिक है ना ही यह क्रूज है क्वासी बैलिस्टिक है क्यों बोला जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहुत अपर एक्सो एटमोस्फियर में नहीं जाएगी पैराबोलिक पाथ नहीं होगा लेकिन इसमें मेन्यूवर करने की मेन्यूवरेबिलिटी जिसको बोलते हैं इसमें मनुवरेबिलिटी है तो दैट इज वाई इस अ क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल आपको डिफेंस एक्सपर्ट ना बनना है जस्ट नाम याद कर लीजिएगा प्रलय है सरफेस टू सरफेस है क्वासी बैलिस्टिक पांच सौ किलोमीटर तक की रेंज है प्रहार का अपग्रेडेड सिस्टम है बस आपको पेपर क्रैक करना है ना कि चाइना पे जाके मिसाइल फेंकनी है ठीक <coughs> है तो आ, अब दूसरा है एस फोर हंड्रेड एस फोर हंड्रेड मिसाइल ये काफी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि रशिया ने हमें दिया है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके अंतर्गत हमने पहला बैच ले भी लिया हालांकि यूएसए इसको लेके काफी अपोज कर रहा था वो जो उनका कैटसा एक्ट है उसको भी आ, ट्रिगर करने की कोशिश उन्होंने करी कि इंडिया जो है यूएस के दुश्मनों से अगर डिफेंस डील्स करेगा तो दैट इज रॉन्ग इन्होंने कैट्सा लोकल एक्ट वहां पे अपने बनाया हुआ है कि हम लोग ना इकोनॉमिक सेंक्शन लगा देंगे ऐसे देशों के खिलाफ जो अमेरिका के दुश्मनों के साथ इस तरीके की डिफेंस डील्स करते हैं उनका डिफेंस सिस्टम को इकोनॉमिकली uh, सपोर्ट करते हैं <coughs> नहीं नितिन कुमार नॉट एग्जैक्टली प्रपेंटिकुलर बट ट्रेजेक्टरी लगभग सीधी होती है उसकी प्रपेंटिकुलर फिल्मों में तो जाती है वैसे ंड्रेड मिसाइल सिस्टम की जहां तक बात है अभी पंजाब के वेस्टर्न बॉर्डर पे हमने इनको डिप्लॉय किया है। अमेरिका इसको अपोज कर रहा करता रहा है लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली मेंटेन करते हुए ये रशिया से लिया और काफी एडवांस है इस मिसाइल सिस्टम को एस फोर हंड्रेड जो है वो सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर है सरफेस टू एयर कितने भी जो हमारे एडवांस uh, हमारे आसपास के देशों के पास एडवांस एरियल स्ट्राइक वेपन्स हैं या एयरफोर्स के पास जेट्स हैं इवन यूएस के जो यू थर्टी फाइव स्टेल्थ जेट है ऐसा माना जाता है कि एस फोर हंड्रेड उनको भी अटैक कर सकता है उनको भी हिट कर सकता है कोई भी यूएवी से अटैक हो रहा है या बहुत डीपर टेरिटरी इंटरलैंड पाकिस्तान से हमारी तरफ कुछ इस तरीके का अटैक वेपन लॉन्च किया जाता है तो वी कैन डिफेंड दैट है ना बोथ फ्रंटियर पे हम लोग उनको डिफेंड करेंगे आने वाले टाइम में जब इनको डिप्लॉय किया जाएगा तो एस 400 हमने रशिया से लिया अब द पॉइंट इज यूएस बड़ा नाराज है और ऐसा माना जाता है कि यूएसए के पास भी ऐसा एक मिसाइल सिस्टम है जिसको थार्ड कहते हैं टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड अटैक ऐसा कुछ नाम है उनका थार्ड बोला जाता है तो थार्ड सिस्टम यूएसए के पास है एस 400 को सुपीरियर माना जाता है यूएसए का ये मुद्दा नहीं है उनको कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है उनके पास हमसे अच्छे वेपन सिस्टम है बाकी वाले भी लेकिन उनको प्रॉब्लम था जस्ट कि जैसे रशिया यूएस के रिलेशन हैं, रशिया चाइना के आ, जिस तरीके से मित्रता बढ़ती जा रही है और यूएसए का जो एंगल है वो खराब होता जा रहा है उसके चलते यूएसए चाहता है कि कोई भी ऐसा यूएसए का अलाइड नेशन रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री से संबंध ना रखे सो so दैट उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को इकोनॉमिक बूस्ट ना मिले कल को अगर अगर दोबारा वर्ल्ड पावर एवेलरीज का सीन आता है तो वहां पे यूएसए अप रहे ऐसा वो डिप्लोमेटिकली कोशिश करते हैं उनका अपना काम है हमारा अपना काम है हमने हमारे फायदे देखने इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी मित्र नहीं होता कोई भी दुश्मन नहीं होता ये मैं नहीं कहता ये इंटरनेशनल रिलेशन के काफी uh, जाने माने विशेषज्ञ हैनरी किसिंगर कहा करते थे कि देर इज नो नो वन इज अ फ्रेंड ऑफ यूएसए नो वन इज अ फो ऑफ यूएसए इट ऑल डिपेंड्स अपॉन म्यूचुअल इंटरेस्ट

डिप्लोमैटिक वे से चलता है कि काफी म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलता है तो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हमें जहां ठीक लग रहे हैं हम यूएसए के साथ भी स्टैंड स्टैंड हो हो रहे 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 हैं 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 हम रशिया के साथ भी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कहां पे वो क्लैश कर सो so, ये था थोड़ा सा फालतू ज्ञान वैसे हम लोग वापस आते हैं एक मैसेजिंग सर्विस इंडियन आर्मी ने यूज करा इन यूज करना स्टार्ट किया वो उनका अपना लोकल व्हाट्सएप समझ लीजिए आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन जो उनकी कॉप्स ऑफ सिग्नल्स ने बना के दिया है जस्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन और उसमें हाई लेयर्स ऑफ प्राइवेसी रहेगी सो so दैट कोई ब्रीच ना हो सके उनके कम्युनिकेशंस में ये इंडियन आर्मी यूज कर रही है नाम याद रख लीजिएगा एब्रीवेशन uh, आपको तंग करेगा <coughs> उसके बाद है मिसाइल uh, कॉर्वेट बनाया गया है हमारे पहला इंडिजीनियसली बेल्ट मिसाइल कॉर्वेट हमने बनाया आई एन खुकरी के नाम से खुकरी इट इज अम काइंड ऑफ स्पेशल नाइफ बींग यूज बाय कौन यूज करता है इस नाइफ को चलो आप बता दीजिएगा हिमाचल तो पता होगा वैसे। तो ये पहली आ, हमारी कॉर्बेट थी जिसको आ, अब आ, हमने सर्विस से क्या कर दिया जी रिटायर कर दिया है डी कर दिया है बत्तीस साल की सर्विस के बाद पहली मिसाइल कॉर्बेट हमने बनाया था देखिए वॉरशिप जो है वॉरशिप ये छोटा वॉरशिप होता है इट्स मिसाइल डिस्ट्रॉयर इट्स नॉट अ वॉरशिप्स आपने देखे होंगे अगर आप नेवी कॉन्वॉयज किसी ने देखा होगा इंटरनेट पे तो सबसे जो पीछे से छोटी स्कॉट वेसल्स होती हैं सिंगल बैरल गन होता है इनके इन पे एक छोटा सा सिंगल बैरल गन होता है छोटी होती है मिनवरेबिलिटी बहुत आसान है तो पूरे कॉन्वॉयज में स्कॉट व्हीकल्स जो रहते हैं आगे पीछे के वो होती हैं कॉर्वेट्स छोटा वॉरशिप समझ लीजिए स्मॉल वॉरशिप आसान भाषा में बाकी आप नेवल कॉन्वॉय कभी भी इंटरनेट पे देखेंगे तो उनमें जो छोटे सिंगल सिंगल बैरल गन वाले जो सबसे तेज मूव करते हैं आगे और पीछे वो होते हैं मिसल कॉर्वेट्स ठीक इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दैट इज एक काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट इसका नाम है अभ्यास इसको बनाया है डीआरडीओ ने कुछ नहीं है ये एक चलता फिरता टारगेट है ड्रोन है बेसिकली और हम हमारे जितने भी वेपन सिस्टम है उनको टेस्ट करते हैं कि ये मूविंग टारगेट को कैसे हिट करते हैं जितने भी वेपन सिस्टम डीआरडीओ या बाकी एजेंसी बना रही है वो अपने टारगेट को कैसे हिट करेंगे दे विल ट्राई इट लाइक ये, ये इस ड्रोन को मार के दिखाओ बस वही है पहले कन्वेंशनल uh, एरियाज में क्या है कि कोई स्टेशनरी टारगेट्स थे रुके हुए एक ही जगह पे कांस्टेंट है लेकिन अब ये मूव करता है सारे मनुवर कर सकता है जो कि हमारे हमला करने वाली चीजें करती हैं तो टारगेट प्रैक्टिस का काम करेगा हीट तभी इसका नाम अभ्यास रखा है दूसरा है जी क्वांटम लैब हमने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग में वहां पे इस्टेब्लिश uh, करी है मिलिट्री हेडक्वार्टर में इंदौर में अब इसका बेसिक काम क्या रहेगा कि हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें फर्दर जो नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन करेंगे डिफेंस सिस्टम्स का या बाकी किसी भी एरियाज में तो उसको अपने लेवल पे जैसे इस तरीके की लैब्स हमारी बड़ी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज बड़ी कंपनीज लाइक गूगल फेसबुक उन्होंने बना के रखी है तो क्वांटम फिजिक्स क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज हैं क्वांटम टेक्नोलॉजीज को कैसे हम लोग हमारे कम्युनिकेशन या बाकी एरियाज में अप्लाई करते हैं ये लैब उसका काम करेगी आप नाम याद रख लेना कहाँ पे इंस्टॉल हुई है ठीक <coughs> अब ये थी डिफेंस की खबरें इसके अलावा भी मैंने पीछे कुछ डिफेंस की न्यूज आपको आ, पिछले क्लास में ऐड करी थी तो उनको मिक्स करके पढ़ लीजिएगा पीडीएफ अपडेटेड वाला मैं अपलोड डिफेंस तक तो किया हुआ है डिफेंस और स्पोर्ट्स किया हुआ है इसके बाद भी जैसे स्कीम्स वगैरह मैंने कंपाइल करी है वो मैं आज कर दूंगा तो आप अगले लेक्चर से पहले उसको देख सकते हैं अब हम आगे चलते हैं ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए दैट इज स्पोर्ट्स खेल जगत की इंपॉर्टेंट न्यूज वैसे तो इट uh, डिपेंड करता है स्पोर्ट्स की न्यूज ना याद करनी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि दो तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं एक जिनमें आपका इंटरेस्ट है जैसे बहुत सारे लोगों का क्रिकेट हॉकी इस तरीके के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो तो आप मैचेस खुद देखते रहते हो आपको याद करने की जरूरत नहीं फील होती है और दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनको आप नहीं देखते हो आप खेलते नहीं हो आपका इंटरेस्ट नहीं है उनको याद करना सबसे फालतू का काम लगता है बट एनी हाउ आपको करना पड़ेगा पेपर देना है वहाँ पे कई बार क्वेश्चन आते हैं तो आप पीछे रह जाओगे वरना इसका कोई सॉल्यूशन ना है मेरे पास वैसे मैं आपके मेरे भी दुख रहे हैं तैयारी करते हुए कि तो आपके दुखों की जो डिस्कशन है वो मैं कर रहा था याद तो आपको करने ही पड़ेंगे रो के कर लो हंस के कर लो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021 ये वर्ल्ड एथलेटिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है वो आ, देती है हर साल देती है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ आथ द ईयर जस्ट लाइक एलन थॉम्पसन हेरा जमाइकिन जमाइकन एथलीट है इनको दिया गया और का, कास्टन वॉर्लम जो नॉर्विन एथलीट है उनको मिला है इंडियन लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज को भी ये वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद इट है ना दो तीन नाम है याद कर लीजिएगा इन लोगों के इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा इनका जरूर याद कर लीजिएगा अंजू बेबी जॉर्ज बाकी वर्ल्ड जो बैडमिंटन फेडरेशन है बी के आ, फाइनल वर्ल्ड टू फाइनल्स जो चल रहे थे स्पेन ने इसको होल्ड किया था आ, होस्ट किया था पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता है मेन सिंगल में जो विक्टर एलेक्सन है डेनमार्क के उन्होंने जीता है वुमेन सिंगल्स ने जो एन से यंग है साउथ कोरियन प्लेयर है उन्होंने जीता है विनर्स का नाम और इंडियन वहां पे कहा थे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ ओडिशा में और अर्जेंटीना ने जीता है जर्मनी जो है वो सेकंड रैंक पर हमारा कोई नामो निशान नहीं था हम पीछे क्वार्टर फाइनल्स में हार गए थे देन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ही अवार्ड करती है जो एमिनेंट स्पोर्ट्स uh, पर्सन रहे तो 2021 का जो अवार्ड है वो सुनील गावस्कर को दिया जाता है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा थे जेवलिन थ्रोअर स्पोर्ट्स वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग में ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं और नीरज का तो सबको पता ही होगा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं नहीं पता तो बता देते हैं हरियाणा से से ज्यादा पब्लिकली रहे हैं तो आई गेस सभी लोगों को मालूम होगा कि कहां से बिलोंग करते हैं बाकी अगर टीम की बात करी जाए तो इंडियन मैन हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। <coughs> दूसरा है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बीबीसी की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो टेनिस स्टार है एम आर एडकानो यूके यूनाइटेड किंगडम उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है अब आती है क्रिकेट की बात पूरा इंडिया क्रिकेट का तो फैन है ही मुझे वैसे काम अच्छा लगता है न्यूजीलैंड के एक प्लेयर है अजाज पटेल तो उन्होंने एक ही इनिंग में दस विकेट्स ले डाले एंड ये ऐसा करने वाले तीसरे क्रिकेटर बन चुके हैं पहले वाले जो दो थे वो एक जिम लेकर है इंग्लैंड के और अनिल कुंबले हैं इंडिया के इन्होंने कब लिया था अब ये स्पोर्ट्स के फैन जाने जो क्रिकेट के फैन है पता है किसी को तो बता दो नहीं देख लेना कि किस साल में ऐसा अनिल कुंबले ने किया था दूसरा जी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ये वो एफ वन रेसिंग वाली बात है एफ वन रेसिंग के भी काफी सारे फैंस हैं जिनको अच्छा लगता होगा ये तो एफ वन रेसिंग की जहां तक बात है <coughs> सॉरी अभी जेडा में जो इनका ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको लुइस हैमिल्टन ने जीता जो कि ब्रिटेन के प्लेयर है अब एज फार एज F1 वन रेसिंग इज कंसर्न तो F1 वन रेसिंग से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे आ, आस्पेक्ट हैं जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है यह जा सकता है सबसे बड़ा एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने ना चार पांच प्लेयर हैं जो न्यूज में रहते हैं और वही जीते रहते हैं टेनिस वाली कहानी है जैसे टेनिस में भी वो पांच छह लोग हैं वही रोजर फेडरर है या इस तरीके के जो लोग हैं वही जीते रहते हैं सिमिलरली सिमिलरलीफवन रेसिंग के काम है तो जैसे कुछ प्लेयर्स के नाम मैं आपको दिखा रहा हूं इनकी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए ज्यादा अच्छा हो तो इनकी कारें भी याद कर लेना कौन सी चलाते हैं माइकल शुमाकर है माइकल शुमाकर जो है वो जर्मन है ही बिलोंग्स टू जर्मनी ही इज जर्मन लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ही इज ब्रिटिश यूके यूके से बिलोंग करते हैं ब्रिटिश बैकग्राउंड के हैं ये जो आ, ये जो फोटोज हैं ना ये जो प्लेयर्स हैं ये दो वाले पुराने हैं मतलब आजकल ये नहीं खेलते लेकिन अपने टाइम के काफी फेमस प्लेयर्स रहे हैं इनको नहीं भी याद करोगे आई एम ओके विद दैट लेकिन जो प्रेजेंटली चल रहा है इनकी कंट्रीज तक आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज है कौन से वाला प्लेयर है ठीक जैसे अभी सेबेस्टिन वेटल है सेबेस्टियन वेटल ने काफी सारे टाइटल जीते हैं और ही बिलोंग्स टू विच कंट्री ये भी जर्मन है इनके तो फेस से पता लग रहा है ठीक है ही इज जर्मन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अगर नए बंदे की बात करें तो दैट्स मैक्स वन ये भी अभी न्यूज में आ रहा है ये रिसेंटली न्यूज में आ रहे हैं तो ये कहां से है तो कहां से हैं जी ये लोग ये बेल्जियन है तो इस तरीके की कुछ बेसिक सी जानकारियां इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंगली इनकी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए वो मैंने बता दिए न्यूज में ज्यादा चलते हैं जो फैन लोग हैं उनको तो इनकी कारें तक याद होंगी कौन सा कौन सी कार चलाता है इन दोनों को इग्नोर भी करोगे तो चलेगा ठीक इसके बाद डेविस कप ये स्पेन ने होस्ट किया रशियन टेनिस फेडरेशन ने जीता कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है में होस्ट करी गई थी उज्बेकिस्तान में संकेत महादेव सरकार ने इसको जीता गोल्ड मेडल कैटेगरी 55 केजी कैटेगरी में अब ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये जरा सर्च कर लीजिएगा अब द पॉइंट इज किन्त जो है कई और कारणवश भी हम लोग इस, इस सिटी के बारे में पढ़ते हैं का, किस कारणवश पढ़ते हैं जब 1965 का वॉर हुआ था तो उसका जो समझौता है वो यूएसएसआर ने ताशकेंत में मीटिंग रखी थी जब यहां पे हमारे पुराने जो प्रधानमंत्री हैं कौनजी शास्त्री जी गए थे है ना तो यूएसएसआर के दौरान जब सोवियत संघ होता था तो इंडिया पाकिस्तान की जो उस टाइम की मीटिंग थी वो ताशक में हुई थी इट इज द टाइम जब स्वर्ण सिंह और शास्त्री जी वहां गए थे और शास्त्री जी की वहां मृत्यु हो गई थी अक्समात मृत्यु हो गई थी वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है आज भी उस पर हमें नहीं मालूम कि उनकी मृत्यु हुई थी हत्या हुई थी क्या हुआ था कैसे हुआ था देन चौथा एशियन यूथ पैरा गेम्स ये रिफा सिटी बहरेन में कंडक्ट किया गया इंडिया ने यहां से क्या लिया जी पर इन पैरा गेम्स में 41 मेडल्स हमने क्लेम करे कहां हुआ ये ज्यादा जरूरी है ठीक अब वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप करवाई चेस को लेके अब ये कहां पे हुई दुबई पे हुई ठीक है और और इस चेस को इस चैंपियनशिप को किसने जीता तो ही इज मैग्नस कार्लसन ऑफ नॉर्वे जब छोटा बच्चा था ना तो मतलब पीपल वर सरप्राइज इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को कैसे हरा देता है जब पहली बार उसने स्वामीनाथन आनंद को हराया था है ना ही वन जस्टिन बीबर को 20 किलो मोटा कर दो ऑलमोस्ट सेम देखेगा तो धाबी जीपी फॉर्मूला रेसिंग काफी सरप्राइजिंगली मैक्स वॉस्ट ने जीता बेल्जियन है जो जो मैंने आपको पहले बता दिया तो न्यूज में चल रहे थे इसलिए देख लेना अच्छी हैं आकर्षित अच्छी हैं जो भी क्वार्टरली मैगजीन आती हैं दिशा की मैगजीन मैंने देखी है आपके काम किया आप ले सकते हो अच्छी फर्स्ट एवर नेशनल लेवल खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग जो है मेजर ध्यानचंद नेशनल एकेडमी न्यू दिल्ली ने होस्ट किया और नेक्स्ट जो है वो हरियाणा होस्ट करेगा अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट ढाका में हुआ साउथ कोरिया ने जीता इंडिया को ब्रॉन्ज मिला ऐसी बातें अब मैं ना तेज तो निकाल दूंगा इनको लेकिन कंट्री का नाम किसने जीता कहाँ पे होस्ट किया गया था बांग्लादेश में तो वो आपको पता याद करते रहना जैसे हरभजन सिंह है उन्होंने सारे तरीके के क्रिकेट से अपने आप को वो कर दिया रिटायर घोषित कर दिया अब जैसे विजय हजारे ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी जयपुर में इसका मैच था स्वाई मानसिंह स्टेडियम में और तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की टीम के बीच मैच हुआ था है ना आप में से कुछ लोगों को मालूम भी होगा और काफी मतलब अच्छे कंपटीशन से ये मैच आपकी टीम ने जीता ये मैंने मैच देखा नहीं लेकिन मैंने न्यूज पढ़ी है इन्होंने बाद में नाटी वाटी भी वहां पे किया है तो आपकी टीम के जो कैप्टन थे ही वॉज ऋषि धवन 11 रन से ये फाइनल मैच तमिलनाडु की टीम से हिमाचल ने जीता है तो ये पता होना चाहिए कि आपने कौन सी ट्रॉफी जीती कहाँ पे जीती किसको हराया और अगर किस्मत खराब रही तो कैप्टन का नाम पूछ लिया वो भी मैंने लिख दिया इससे ज्यादा मत नाटी किया था उन्होंने वैसे वो आप अपने कल्चर में पढ़ लेना ठीक तो दीज स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज जो मेरे अकॉर्डिंगली आपको पता होनी चाहिए जरूरी थी अब हम आगे चलते हैं मिसलेनियस की तरफ कुछ मिसलेनियस ऐसी न्यूज जो पीछे वाली किसी कैटेगरी में मैंने कवर नहीं करी थी बट मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे <coughs> इसके बाद स्कीम्स वगैरह भी हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहां तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो नहीं रहने दो एंड एंड पे एंड पे देखते हैं अभी डाउट लेने लगा लेट हो जाएंगे नेक्स्ट है <coughs> लेके जाऊंगा एंड में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है इन्होंने गुड गवर्नेंस डे जो कि हमारे पुराने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च किया था 10 गवर्नेंस सेक्टर्स इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं, जिनमें से जस्ट लाइक एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है पब्लिक हेल्थ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये सारी चीजें इस इंडेक्स में अगर मैं नॉर्थ ईस्ट एंड हिल्स स्टेट्स की कैटेगरी को देखता हूं तो हिमाचल प्रदेश ने इस कैटेगरी में टॉप किया है ग्रुप ए स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है ग्रुप बी स्टेट में प्रदेश ने टॉप किया एंड यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया यह आपको पता होना चाहिए यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए यानी कि ये इंडेक्स क्या है इसको कौन लॉन्च करता है हमारा रैंक क्या रहा दूसरा सेवन मिस यूनिवर्स का जो ओवरऑल कंपटीशन था वो एलियात इजराइल में हो रहा था जिसको इंडिया की हरनाज़ संधू ने जीता है जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं और पुराने अगर इंडियंस की बात करें मिस यूनिवर्स का टाइटल सुष्मिता सेन ने 94 में और लारा दत्ता ने 2000 में जीता था साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 साहित्य एकेडमी अवार्ड जो 2021 है वैसे तो काफी सारे इन्होंने जो अपने साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार अकेडमी पुरस्कार दिए 1954 में इसको स्टार्ट किया है लगभग 24 लैंग्वेजेस में इसको दिया जाता है कुछ नाम मुझे लगा आपको याद होने चाहिए जैसे लाइक नमिता गोखले हैं इंग्लिश मैन को मिला है दया प्रकाश सिन्हा है हिंदी में इनको मिला है एक काम और कर दीजिएगा अगर कोई विनर हिमाचल से है

फ्रांस बेस्ड वर्ल्ड इन लैब ने इसको लॉन्च किया हालांकि ये इकलौती ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और भी इस तरीके की रिपोर्ट्स आती रहती हैं इन पे ऑक्सफैम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो रिपोर्ट देती रहती है अगर मैं लोकली बात करूं तो इन्होंने बोला कि दुनिया में ना इंडिया में एक परसेंट रिचेस्ट जो टॉप वन परसेंट पॉपुलेशन है वो देश की बाईस परसेंट नेशनल इनकम उन्हीं के यहां से आ रही है देख लो फिर बाकी कहाँ रह गए है ना अगर मैं टॉप दस परसेंट पे लेके जाऊंगा तो ये आंकड़ा साठ सत्तर पर चला जाएगा और बाकी तो हम लड़ ही रहे हैं दूसरा अगर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो दीज आर द मोस्ट अनईक्वल रीजन यूरोप की बात करी जाए तो वहां पे जो इनक्वालिटी लेवल्स है वो लोएस्ट है वर्ल्ड में बिकॉज इस इस एरिया में अगर देखें तो गवर्नमेंट का टैक्स का और मनी जो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स है वो बेहतर है बाकी वाली सरकारों से बेहतर है दूसरा है जी फॉर्चून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन जो रैंकिंग आती है उसमें फर्स्ट रैंकिंग निर्मला सीतारामन की थी दूसरी जो है वो नीता अंबानी की अगर गूगल सर्च ट्रेंड्स की बात करी जाए इन दिनों में तो मोस्ट सर्च टॉपिक्स ग्लोबली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच इंडिया वाइज बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग और वैक्सीनेशन कोविन लगवाना है भारतीय क्रिकेट को लेकर दुनिया भर का क्रेज यहां भी हमें दिख रहा है दूसरा है जी डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन जो है उसके द्वारा दिया जाता है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को मिला है इसमें ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को फोर्थ स्टेट हेल्थ इंडेक्स है नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर डेवलप किया इसका टाइटल रहा हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया यहाँ पे लार्जर स्टेट्स में केरला ने टॉप किया स्मॉलर स्टेट्स में मिजोरम ने टॉप किया यूटीज में दादर नगर हवेली इन दमन दियू इन इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का एक सेगमेंट था कि पिछले बार से अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है वो उत्तर प्रदेश है हिमाचल की अगर बात करी जाए तो इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस आपका पंद्रह रैंक पे रहा विच इज लाइक इंप्रूव नहीं किया ओवरऑल बाकी जो ओवरऑल हेल्थ रैंकिंग है वो सेवन थे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को लेके ठीक है लेकिन उससे पिछले सालों से जो इंप्रूवमेंट है वो इसमें देखने को नहीं मिला विच इज द समरी ऑफ दिस रिपोर्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश पीटा इंडिया जो 2021 पर्सन ऑफ द ईयर है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स तो वो बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट ये आप एज इट इज नाम जिसको याद रहे बहुत अच्छी बात है टॉलेस्ट पियर रेलवे ब्रिज जो है वो मणिपुर में बनाया गया इंडियन रेलवे के द्वारा जिरीबम इम्फाल रेलवे लाइन के ऊपर कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 वन जो है इस शब्द को ऐड करा जाता है परिवरेंस वर्ड को ऐड करा जाता है क्यों किया गया परसिवरेंस वर्ड तो बहुत पुराना है परसिवरेंस का मतलब है कि मुझे वैसे तो आप लोगों के काम का शब्द है ना आपको तैयारी में परसिवरेंस रखना बहुत जरूरी है लगे रहो डटे रहो ना कंटिन्यूटी तो ये शब्द ना बार-बार इसलिए इसका यूज स्पाइक कर गया क्योंकि नासा ने एक रोवर लॉन्च किया था नासा का एक रोवर था जिसका नाम परसिवरेंस था नासा का जो अभी-अभी रिसेंटली मार्स पे इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है नासा 2020 मार्स eh, 2020 के नाम से वहां पे परिवरेंस रोवर जो है अभी लैंड हुआ है एक हेलीकॉप्टर भी छोटा सा उड़ा के देखा है इन्होंने नासा का एक और भी रोवर है जो मार्स पे है जो न्यूज में रहता है दैट इज क्यूरियोसिटी अरे वही रोवर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं जिसपे सेल्फी भी ले, ले लेता है अपनी रिसेंटली इसमें को पत्थर कंकड़ फंस गया था तो इसकी जो यात्रा चल रही है उधर वो रुक गई थी जो भी एक्सप्लोरेशन हम लोग मार्स पे कर रहे हैं इन रोबोट्स को यूज करके <coughs> ठीक तो उसके बाद है जी दिसंबर सिक्स जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है टू मार्क एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर ठीक है बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो बाबा साहब अंबेडकर को नफरत भी करते हैं ऑल दो आई बिलोंग टू दी जनरल कैटेगरी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज इनके नाम पर उठा दिए जाते हैं ना रिजर्वेशन को लेके या काफी सारी चीजों को लेके हमारे देश का स्पेसिफिकली यूथ जो है वो अम्बेडकर को पसंद नहीं करता बट मैं इनको प्रेजुडाइसिस कहता हूं अगर थोड़ा सा आप इनके बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली इनकी जो बायोग्राफी अगर उनको कोई पढ़ने की कोशिश करेगा तो यू विल फाइंड दर साइड ऑफ द स्टोरी एनी हाउ कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज को छोड़ते हुए आगे चलते हैं <coughs> एक ना फेस्टिवल कराया गया अहरबल फेस्टिवल अहरबल फेस्टिवल जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने मिलकर करवाया इसका जो मेन फोकस था वहां पे एक बहुत फेमस वाटरफॉल है टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनको सामने लाने के लिए विच इज अहरबल फॉल्स नयागरा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी इनको बोला जाता है नयागरा फॉल्स ऑफ कश्मीर तो ये बेसिक सी बात आप याद रखिएगा अहरबल फॉल्स किस नदी पे है ये कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला जो फॉ वॉटरफॉल्स की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो ये किस रिवर पे होंगे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी रिवर पे होंगे तो एक लोकल छोटी सी स्ट्रीम है दैट इज वेशु रिवर एक मिनट लिख देता हूं आप नोट डाउन कर लीजिएगा वेशु रिवर अब वेशु रिवर जो है वो मेजर जेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है जेलम रिवर जेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है पीर पंजाल रेंज में ये चलती हैं दो तीन फैक्ट्स हैं इसके बारे में ज्योग्राफी के याद कर लीजिए पीर पंजाल रेंज साउथ ऑफ श्रीनगर वैली तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको बता होनी चाहिए थी अहरबल फॉल्स न्याग्रा फॉल्स न्याग्रा फॉल्स वैसे कहां किस देश में है यूएस कैनेडा बॉर्डर पे। वहां जाके जो फोटो नहीं पोस्ट करता उसको खुजली हो जाती है बीमारी हो जाती है हाउ केन बेटवा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव कर दिए गए केन और बेटवा रिवर को कुछ नहरों के चेन के साथ कनेक्ट किया जा रहा है सेंटर वाले जो ड्राई रीजन हैं बुंदेलखंड के वहां पे इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाने के लिए सिमिलरली कोसी और मेची रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसकी बात बिहार में चल रही है कि इनको भी इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा ठीक अब अगर बात करी जाए केन बेटवा की तो दिस इज हाउ ये दोनों की दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ हैं और बुंदेलखंड प्लेटू के क्रॉस बेटवा रिवर और केन रिवर को इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा बाय द केन सीज ऑफ कैनल्स और ये ओवरऑल रीजन है इससे फायदा होगा दोनों कई वस्तु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन चीजों का बेनिफिट होगा ठीक दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक पैन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करा है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जिसका नाम रखा है शी इज अ चेंज मेकर कैसे क्या करेंगे ये हर जगह पे वुमेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चाहे वो पंचायत की मेंबर है सरपंच है या अर्बन लोकल बॉडीज हैं इवन इवन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनको उनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये काम शुरू किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा जिसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा है ठीक अब बिहार मखाना जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है मिथिला मखाना के नाम से ओरिजिनली अर्लियर जो आ, मिथिला मैथिली स्पीकिंग रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न बिहार का वहां से ओरिजिनेट हुआ था ये है क्या बेसिकली मखाना दीज आर द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऐसा काम करता भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आया उन्होंने किया अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस की जो कहानी है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुई थी डब्ल्यू ने एक एग्रीमेंट पास किया था जिसको कहते हैं ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अब डब्ल्यू कहता है कि बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जैसे कि पेटेंट आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कॉपी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है है ना मशीन डिजाइन आपने कर लिए हैं ट्रेड मार्क्स आपने बचा लिए हैं तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचा सकते हो मिस के खिलाफ लेकिन ऐसी चीजें ऐसी चीजें जो कम्युनिटीज के द्वारा इनोवेट करी गई थी सौ साल पहले दो सौ साल पहले सैकड़ों साल पहले ऐसी चीजें हैं जो कम्युनिटी वाइज हमने डेवलप करी थी किसी स्पेसिफिक एरिया से बननी शुरू हुई आज उनको सभी लोग कॉपी कर रहे हैं तो देर इज नो सच डिफरेंस इन दोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अब जैसे uh, रसगुल्ला है बीकानेरी भुजिया है त्रिपाथी का लड्डू है कुल्लू के शाल है अब ऐसा तो है नहीं कि जो शाल है वो कहीं और मिलता नहीं कुल्लू के अलावा लेकिन ये है दीज दीज आइटम्स एज अ डिस्टिंग वैल्यू सिस्टम डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स जो कि यहीं से सबसे पहले शुरू हुए थे बाद में लोगों ने कॉपी भी किए हैं तो इन लोगों को एक ब्रांड वैल्यू देने के लिए ग्लोबली एक रेनॉन्ड ब्रांड वैल्यू देने के लिए हमें पेटेंट्स कॉपी के अलावा इस तरीके के कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को जिसका किसी एक बंदे को श्रेय नहीं जाता पूरे एरिया को जाता है तो उस एरिया को इंडिकेशन टैग दे दीजिए इससे क्या होगा ब्रांड अवेयरनेस ग्लोबली भी फैलेगा और और डब्ल्यूटीओ की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने हिसाब से इनको प्रोटेक्ट करें तो बीइंग डब्ल्यूटीओ कंट्री ट्रिप्स हमने भी रिकॉग्नाइज करा और भारत ने भी वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स का जो एक्ट है लोकल पास कर दिया अब उसके लिए एक रजिस्ट्री बना दी जो कि देश भर में ऐसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रिकोगनाइज करती है टैग्स देती है उनकी एक ब्रांड वैल्यू यहां होती है वहां से बाहर वाले जो मैन्युफेक्चरर है उस नाम को यूज नहीं कर सकते ठीक तो ये जो रजिस्ट्री है चेन्नई में सिचुएटेड है पेटेंट्स वाले ऑफिस के अंदर ही आती है चेन्नई में सिचुएटेड है इन्होंने अब इसका नाम चेंज किया मैथिल मखाना बिहार मखाना के नाम से ठीक अब दिल्ली पुलिस ने एक फ्लैगशिप स्कीम चलाई हुई है विच इज युवा ठीक इनका जो मेन काम है वो ये है कि जितने भी लोग दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है जेल में खाली बैठते हैं इनको कुछ सिखा दो सो दैट जब जेल से बाहर जाएंगे तो कुछ इनका भी सुधार हो जाएगा जीवन में तरक्की हो जाएगी तो युवा के अंतर्गत तो अब उन्होंने एक और काम किया उन्नति नाम की ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च कर दी कैदियों को बढ़ाएंगे कैदी या जो भी अरेस्टेड लोग हैं हवाला हाँ अब यूनेस्को ने दुर्गा पूजा जो कि बंगाल की काफी फिनमिनल कल्चरल एस्पेक्ट है दुर्गा पूजा जो कोलकाता में होती है उसको 2021 की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में उसको इंक्लूड करा है। टेंजिबल जो टच हो सकती है इंटेंजिबल जो टच नहीं हो सकती तो दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल का यह सभी लोग जानते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काफी सारे सेक्टर्स में चल रही थी इंक्लूडिंग टेक्सटाइल अब इस स्कीम को हमने एक्सपैंड कर दिया है टूवर्ड्स सेमी कंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए छहत्तर हजार करोड़ का जो बूस्ट है वो हमने दिया भारत में बहुत ऐसी कम कंपनीज है जो सेमी कंडक्टर चिप्स बनाती हैं बीइंग अ टेक्निक टेक्नोलॉजी लेड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यहाँ पे हर एक uh, जो सेकेंड गैजेट है उसमें इन इन तरीके की सेमी चिप्स की आवश्यकता है बी एट आपकी कार्स हैं बी इट आपका मोबाइल फोन है आपके पास हेडफोन्स हैं आप कोई स्मार्ट वॉच कैरी कर रहे होनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विल है तो उनकी शॉर्टेज अभीर से रिपब्लिक ऑफ चाइना भी नहीं, ताइवान है, Republic of China जिसको हम लोग कहते हैं तो अब ताइवान एक सोल मैन्युफेक्चर है ताइवान उसके बाद चाइना का भी नंबर आता है साउथ कोरिया का भी आता है लेकिन सबसे बड़ा ताइवान है अब उधर जब ओवरऑल डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो गए चाइना ताइवान या उस तरीके के देशों में ड्यू टू सम जियोपोलिटिकल इश्यूज ड्यू टू कोविड लेड लॉकडाउन या स्लो डाउन बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हुए उनके चलते सेमी चिप्स की आ गई है शॉर्टेज अगर भारत मेक इन इंडिया के, के अंतर्गत विश्व गुरु बनना चाहता है तो वी शुड हैव सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो कि भारत में रोबस्ट तरीके से चल रही है उसके लिए छहत्तर करोड़ रुपया दिया गया एक जगह है वहां पर स्टार्ट किया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर लड़ाई होगी वहां पर जाके सुलझा लो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो वह हैदराबाद में आया ठीक नेक्स्ट है Next, जी रमना काली टेम्पल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इन किया एक रिकंस्ट्रक्टेड जो रमना काली टेम्पल है रमना एक जगह है बांग्लादेश की ढाका कैपिटल में जहां पे एक लैंडमार्क सोहरावड़ी उद्यान उध्या, उद्यान भी है उसके अंतर्गत अब दूसरा है जी प्रोजेक्ट टेट्रा टू जीरो <laughs> ये बेसिकली रशिया का प्रोजेक्ट है इसकी एज इट इज सारी डिटेल्स मत याद करना बट दो तीन चीजें मैं बताता हूं इन्होंने एक आइस ब्रेकर शिप जो है इनका न्यूज में चल रहा था न्यूक्लियर पावर्ड है पावर के नाम से अब ये आइस ब्रेक करके करना क्या चाहते हैं वो नॉर्थ सी और आर्कटिक सी का जो एरिया है उसको नेविगेबल बनाने की कोशिश ये लोग काफी टाइम से कर रहे हैं उम्मीद है क्लाइमेट चेंज उन चीजों को मेल्ट कर देगा तो थ्रू आउट द ईयर वहां से नेविगेशन चलती रहेंगी तो ईयर राउंड शिपिंग है थ्रू द आर्कटिक उसके लिए ये लोग रशिया काफी टाइम से एक्टिव है जब ये ओपन होगा तो जियो जो है ज्यो पॉलिटिक्स आज आप देखते हो वो इंटायरली चेंज हो जाएगी सिमिलरली अब रशिया जो है उस, उसके लिए काम कर रहा है तो न्यूज में रहते हैं इसके आइस ब्रेकर शिप जैसे एज ऑफ नाउ अगर बात करी जाए तो आर्टिका के नाम से और सिबिर के नाम से दो इनके आइस ब्रेकर शिप्स हैं वो सर्विस में है तीसरा जो है यूराल वो आने वाला है और बाकी जो भी टू बी लॉन्च है फोर्थ जैसे या है या शुकोटा है ऐसे कुछ नाम है जो अभी आएंगे एज ऑफ नाउ ये दो नाम याद रखने हैं ये एक आर्टिका और सिबिर आर्टिका और सिबिर जिसमें दिसंबर में सिबरी न्यूज में था जो कि एक वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर शिप ब्रेकर आइस ब्रेकर शिप है इसका मतलब है कि इसकी पावर कभी खत्म नहीं होगी ये 20-25 साल लगातार वहां अपना काम कर सकता है विदाउट एनी रिफ्यूलिंग रिक्वायरमेंट फंसेगा नहीं आइस तोड़ के निकल आएगा ठीक ये प्रोजेक्ट है तो कई बार ऐसी चीजें डायरेक्टली फैक्चुअल पेपर में पूछ ली जाती है ठीक इसके बाद नागालैंड पुलिस ने एक लॉन्च किया है लोगों को काइंड ऑफ इन कैंपेन लॉन्च किया है जो इनके सिटीजन्स को जो डिस्ट्रेस कॉल है वो कर सकते हैं वो कैसे डायरेक्टली इनके साथ टच हो सकते हैं उसका नाम रखा है कॉल योर कॉप नागालैंड की पुलिस ने बहुत कोई इनोवेटिव तो नहीं है इन कंपैरिजन टू अगर मैं देखूं डेवलप कंट्रीज में कैसे होता है लेकिन अपने देश में यस ये भी एक अच्छी बात है तो नागालैंड पुलिस की ये कैंपेन है तो पांच बज गए जी इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और दिसंबर जो है अगले लेक्चर में तो पक्का ही खत्म हो जाएगा यहां तक जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे बता दीजिए ठीक है थोड़ी सी स्कीम्स बची हैं और थोड़े से मिसलेनियस न्यूज बची हैं इसके बाद तो दिखाने लायक चीजें हैं जिसमें आप पर्सन इन न्यूज वो सब देखेंगे एक घंटे से लंबा लेक्चर चाहते हो तो बता दीजिए कुछ अरेंज कर देंगे लेकिन वैसे एक घंटे से लंबा लेक्चर कोई फायदा नहीं होता ग्रैप नहीं कर पाओगे आप अगर हमें लगेगा ना कि पेपर पहले आ रहा है तो वैसे ही हम लोग एक घंटे से लंबा खुद ही कर लेंगे सिलेबस पूरा करवाने के लिए तो रिवाइज कर रहे हो ना आप लोग रिवाइज करते रहिए जो भी आ, हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली दफा मैंने पी जो है वो ऐप में अपलोड कर दिए और डेली का इसको रिवाइज करिए कोशिश तो ये करा करिए मैं एक दिन का एडवांस लेक्चर अपलोड करके रखता हूँ अगर ये चीजें हैं तो वो कुछ नया नहीं है ऑलरेडी अपलोडेड था वहाँ आप इसको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं और जब जैसे जैसे मैं एक्स्ट्रा चीजें नोट डाउन करता जाता हूँ मैं भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा इस पी से बाहर भी लिखता रहता हूँ तो वो आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं या जो भी चीजें मैं बताता हूँ उनको हाईलाइट कर सकते हैं क्लास लगाने का ये फायदा हो जाता है कि चीजें आपको याद हो जाती है मैंने काफी सारी चीजें हैं जो बाद में एड ऑन करी हैं जैसे मैंने पीछे दो तीन डिफेंस के केस में करा था है। ये है जो एक्स्ट्रा मैंने बताया एज इट इज याद नहीं रख पाओगे अगर खुद से कहीं और नोट करोगे तो वो पेजेस गुम हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ दैट आप गेट इट प्रिंटेड है ना प्रिंट फ्रेंडली है एक ठीक ठाक अः सौ पेजेस के आसपास एक महीने का कंटेंट मिल जाएगा आपको प्रिंट फ्रेंडली है रिवाइज भी हो जाएगा फ़ॉन्ट छोटा करोगे तो पचास पेजेस में भी हो जाएगा किसी को प्रिंट में प्रॉब्लम आए तो एक जरा पूछ लीजिएगा हमें चैट वगैरह में या कॉल करके ठीक तो डाउट्स आपके है नहीं टाइम हमारा हो चुका है तो हम हमारी स्ट्रीम जो है उसको एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे बाय बाय